भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जैसे अपने होनहार खिलाड़ियों से भारत को उम्मीद थी, इन सभी ने कुछ वैसा ही कर दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदकों की संख्या 7 पहुंचा दी है। लंदन ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 6 पदक जीते थे, जिसका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल की उम्मीद के लिए भारतवासियों को जीत का जश्न मनाने का मौका मिल गया है। पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका और दूसरे प्रयास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसे 87.58 मीटर तक पहुंचा दिया। यही स्कोर इस इवेंट में आखिरी साबित हुआ और भारत की झोली में नीरज ने पहला एथलेटिक्स गोल्ड डाल दिया है, जिसके बाद उनके परिवार समेत देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। ओलंपिक में भारत दल का अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हो गया है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की संख्या 7 पहुंचाते हुए इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा का गोल्ड भारत के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल रहा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत भारत को लंदन ओलंपिक में हासिल किए गए 6 पदकों की बराबरी दिलाई थी। बता दें, भारत को लंदन में हुए 2012 ओलंपिक में 6 मेडल मिले थे, जो 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक से 3 ज्यादा थे। इसके अलावा भारत को 2016 के रियो ओलंपिक में 2 मेडल ही मिले थे, तो वहीं 1992 और 1900 में भी 2-2 मेडल ही भारत के खाते में आए थे। पुरुष हॉकी टीम ने भारत की झोली में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल डाले हैं। साल 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वो व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। 2021 में नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।